होली को लेकर यातायात प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। सभी चेक पोस्टों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही शराबियों पर नकेल कसने के लिए ब्रेथ एनालाइजर मशीन से भी चेक किया जा रहा है और शराब की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई भी किया जा रहा है। इसी दौरान पटना जंक्शन पर एक वाहन चालक के द्वारा हेलमेट नहीं पहनने पर यातायात पुलिस ने उन पर सख्ती बरती और सख्ती बरतने के दौरान झड़प भी हुआ। देखिए पहले यह तस्वीर किस तरीके से झड़प हो रही है। लाइसेंस दिए नहीं, लाइसेंस लेकर फालतू वाला काम कीजिएगा, अब पॉकेट में रख लिए। प्रेस प्रेस आपको हेलमेट नहीं है, फाइन करेंगे। सुनिए, हमने नौ चैनल को आपको दिए हैं। हम लोग का है डाक परिवार, होली मिलन समारोह है पटना डीपीओ में, ठीक है। हम लोग डीपीओ का स्टाफ है, ठीक है। सब स्टाफ का आपको क्या, हम लोग तो देखिए इस साइड करिए, पैनल लगाने के लिए हैं, काम करने के लिए हैं। हम लोग परेशान कर रहे हैं, हम लोग परेशान कर रहे हैं। नहीं, हमें टोटल नौ चैनल दिए हुए हैं, मारेंगे। पूछते क्या आपने किया, हमने डाक पर आदमी बताइए, हम लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं पटना डीपीओ में, तो आपने देखा स्पष्ट रूप से जिस तरीके से वाहन चालक और पुलिस में झड़प हो रही है। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद वाहन चालक को झुकना पड़ा और चालान कटवाकर चालान के पैसे भी देना पड़ा। धीरेंद्र कुमार, डीटीवी भारत, पटना।